नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल को हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, जो बिल्कुल मुफ्त है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, रामनवमी का त्यौहार हिंदुओं के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। इस दिन भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान राम श्री हरि विष्णु जी के सातवें अवतार थे, जिन्होंने धरती पर बुराई और अधर्म का नाश कर धर्म और सत्य की स्थापना की थी। भगवान श्री राम का जन्म चैत माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की कोख से हुआ था। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, साल 2019 में रामनवमी का पर्व 14 अप्रैल 2019 दिन रविवार को मनाया जाएगा और रामनवमी पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:05 से लेकर 1:37 तक रहेगा और रामनवमी मध्यान्ह पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:21 है और नवमी तिथि का आरंभ 13 अप्रैल 2019 दिन शनिवार को 11:41 से लेकर नवमी तिथि का समापन 14 अप्रैल 2019 दिन रविवार को 9:35 पर होगा। इस दिन प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई कर सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। फिर भगवान श्री राम की मूर्ति या प्रतिमा को फूल माला से सजाकर उसकी स्थापना करें। दोस्तों, इस दिन श्री राम जी की मूर्ति को पालने में झुलाने का भी विधान है। भगवान श्री राम की पूजा के समय तुलसी के पत्ते और कमल का फूल अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद श्री राम नवमी की पूजा करें और भगवान राम को खीर, पंचामृत, हलवा, दूध आदि का भोग लगाएं। इसके बाद रामायण का पाठ या राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। इस दिन राम मंदिर में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है। रामनवमी के दिन 8 पहर का उपवास रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक से जुड़ने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य क्लिक करें और साथ ही साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।